प्रिय तमाशा रसिक बांधवानो, आपल्या सेवेसाठी सादर करत्या सौभाग्यवती मंगला बनसोडे करवडीकर सोबत मास्टर नितीन कुमार बनसोडे करवडीकर आणि लोकनाट्य तमाशा मंडळ सहर्ष सादर करीत आहेत एक महान राजकीय ज्वलंत देशप्रेमी वगनाट्य ही झुंज भारत पुत्राची अर्थात कारगिलच्या युद्ध ज्वाला ही झुंज भारत पुत्राची अर्थात कारगिलच्या युद्ध ज्वाला प्रस्तुत वगनाट्याला सौभाग्यवती मंगला बनसोडे करवडीकर यांच्या आवाजातील एका राष्ट्रगीतापासून सुरुवात होत आहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। या अल्लाह ये क्या हो गया, भारतीय वैमानिक ज्योति ने तो बॉम्बिंग करके हमारे तालिबान चुन चुन के मार डाले, ये औरत है कि कयामत। हिंदुस्तानी कैप्टन राम और मेजर रहीम ने तो हमारे मुजाहिदीनों का तो नामो निशान मिटा दिया। क्या क्या वो सैनिक है या बलामत। हाँ, अब क्या हार हो गई, हिंदुस्तान फौज की जीत हो गई। जीत हो गई तो जल्दी चलो अली, यहाँ से भागना जरूरी है। बटालिका और मुस्कर थाने में जाएंगे और अपने पाकिस्तानी कैप्टन चंगेज खान को बताएंगे, वरना वरना हम नहीं बचेंगे। हाँ हाँ, नहीं बचेंगे। बचेंगे तो और लड़ेंगे। डरो मत वल्ली, बोलो जान तारो। जिंदाबाद। और जान तारो। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम खुदा। देखो अली, कैप्टन ज्योति का हवाई जहाज फिर आ गया। भागो अली, यहाँ से भागना जरूरी है। भागो भागो, लेकिन भागते भागते हवाई जहाज पर फायर करो। फायर। ये नाटक टाइगर हिल से विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला, ते पाहता पाहता पाकिस्तानचा कॅप्टन चंगेज खान हा पेटून उठला। पाहूया पुढे काय होतं ते। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जला दो, मिटा दो, खून डालो। मैं कभार हिंदुस्तानियों को नहीं छोड़ूंगा, जला दूंगा सबको। कश्मीर पाकिस्तान का है, हम कश्मीर लेके रहेंगे और इस बार हमारा चांद तारा लहराएंगे। मैं कैप्टन चंगेज खान हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हाय मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बोलो जंग तारा। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ मेरे शेर मुजाहिद शेख वल्ली, तुम भी आओ मेरे शेर तालिबान मोहम्मद अली। बोलो मेरे दोस्तों, दुश्मनों की क्या खबर है। खान साहब, काफिरों ने नाको दम कर दिया है। कारगिल और द्रास सेक्टर में हमारे सैकड़ों हजारों तालिबान घुसकर कुत्ते की मौत मारे गए हैं। क्या किया। बटालिका और मुस्कर थाने में हमारे मुजाहिदीन आतेरे की खटमल जैसे मसल दिए गए हैं। या अल्लाह, या परवरदिगार, ए मैं क्या सुन रहा हूँ। मुजाहिदों की सब कत्ल कर दिया, किसने किया ऐसा। कौन कैप्टन हिंदुस्तान फौज का। कैप्टन राम बहुत खतरनाक दुश्मन है। दुश्मन ओ हैवान, ओ हैवान। और उसके साथ लड़ने वाला दूसरा काफर मेजर रहीम बहुत बड़ा शैतान है। मेजर रहीम कमीना कुत्ता हराम दादा, हमारे जात पात का होते हुए भी हिंदुस्तान से मिलकर हमसे मुकाबला करता है। हिंदुस्तानी सैनिकों के कंधे से कंधा लगाकर हमसे सामना करता है। हमारे कौम के होकर भी
हिंदुस्तान से मिलकर हरामजादा हमसे टकराता है। चलो चलो मेरे दोस्तों, उनको घेर लो। खान साहब जल्दी चलो तुतर कठाने पर और टाइगर हिल पर, तुनी भी जल्दी थापा फोड़ने वाले। लेकिन खान साहब, आज हम सब मिलकर उन दोनों राम रहीम को जल्दी मिटा देंगे। ऐसा करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्तों, मेरे यारो, उनको घेर लो। बोलो जाने वक्त पहले ये बोलो, जान तारा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दोस्तों भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेजर रहीम, यस सर, आता मुळीच मागे हटायचं नाही, कारण चंगेज खानच्या बटालियन मधील जवळ जवळ सर्व पाकिस्तानी सैनिक खलास झाला आहे। को बदनाम करने वाले पाकिस्तानी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए मुझे ताकत दे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़ो, भागना मत मेरे दोस्तों, डरो मत, चलो आगे चलो। पेड़ के पीछे से दुश्मनों पर टूटना पड़ेगा। फायर करो मेरे दोस्तों, फायर। मेजर रहीम, यस सर, राम रहीम, दुश्मन लपलेल्या जागेतून बाहेर पडल्याशिवाय त्याला आपल्याला ठार करता येणार नाही। आपला दारुगोळा फुकट जाईल आणि आपले भारतीय जवान नाहक प्राणाला मुक्तो। मग मी असं करतो राम, हत्यार खाली टाकून त्यांना शरण्याचं नाटक करतो। ओके, म्हणजे आपल्या जवळच्या गोळ्या संपल्या असं गृहित धरून दुश्मन लपलेल्या जागेतून बाहेर त्यांना बोलण्यात गुंतवतो। तोपर्यंत टेकडीला वळसा घालून ये आणि पाठीमागून येऊन दुश्मनाचा खात्मा कर। ओके, गुड आयडिया। मेजर रहीम, तू जरा सावध रहा आणि मी अटॅक करतात ताबडतोब गड उतरून प्रथम त्या चंगेज खानला ताब्यात घे। हा, पण त्याला मारू नकोस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इशू बेस्ट लक, यू कॅन गो। थँक यू सर। फायर। मुझे मत मारो मेरे भाइयों, मुझे मत मारो। मैं मेजर रहीम आपको शरण आया हूँ, मुझे मत मारो। कमीना कुत्ता मिल गया साला, हराम दादा कुत्ती की औला। मेजर रहीम, तो अब आए हो इस पर? अल्ली वल्ली इसके रंग से तो लगता है हिंदुस्तानी फौज का मेजर साहब। बस बस बच्चे, इतनी जल्दी मिट गई तुम्हारी खुजली। खान साहब, हेलो, इसकी गोलियां तो खत्म हो गई लगती है, अब क्या करेगा बेचारा? हमारे हाथों से कुत्ते की मौत मरेगा था। तो क्या समझा? शैतान को मैं जिंदा छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके मारने से पहले हराम जादे को आंखें निकाल दी, बाद में हाथ पैर तोड़ेंगे, बोटी बोटी करके पाकिस्तानी गीत को खिलाऊंगा। और मेरे बच्चे, तेरा नाम क्या है? जिसका भाई है राम, हिंदुस्तान मेरा आवाम, देश के दुश्मनों को पैरों तले कुचलना मेरा काम। वंदे मातरम है मेरा पैगाम, रहीम है मेरा नाम। रहीम हरामजादा, हमारे जात पात का होते हुए भी हिंदुस्तान से मिलकर हमसे मुकाबला करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खान साहब, ये तो साला मुसलमान निकला, ये तो अपना जात भाई निकला साला। खामोश रह जा कुत्ते की औलाद, जंग के मैदान में कोई किसी का भाई नहीं होता। मैं मुसलमान हूँ फिर भी हिंदुस्तानी हूँ, समझ गए साले? जुबान को लगाम दो साले, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगा। साले, तुम मुसलमान है
इसलिए हम खामोश है। नहीं तो क्या करेगा, मारेगा मुझे? हाँ मारेगा। अरे मार मुझे। या भारत भूमीच्या रक्षणासाठी माझा प्राण गेला तरी मी स्वतःला धन्य समजेन, परंतु जिवंतपणे तुमच्या सारख्या कुत्र्याच्या ताब्यात कधीच येणार नाही। हरो मेरे दोस्तो, नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त पे, और तो अगर हमसे मिलकर हिंदुस्तान की जीत का राज हमें बताएंगे तो हम तुझे एक पाकिस्तानी फौज का जनरल साहब बनाऊंगा। अरे जनरल साहेबच काय, पण पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाब शरीफची खुर्ची जरी या रहीमला दिलीस तरी मी माझ्या हिंदुस्तानाशी कधीच गद्दारी करणार नाही। और एक सच्चा मुसलमान अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर तूने मेरा सर भी काट दिया तो वो सर भी बोलेगा भारत मेरा महान है, भारत मेरी जान है, दुश्मन मेरा पाकिस्तान है। बोलो हर हर महादेव। अल्लाह का बंदा होकर भी हिंदू देवताओं का नाम लेता है। ठीक है, तुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा रहीम, तुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। हो तैयार से रहना मेरे दोस्तों, फायर करो। हा गया साला चंगेज खान सर, बटालिक आणि मुस्कट ठाणो आपल्या भारतीय जवानांनी जिंकलं। कॅप्टन राम। येस सर। मेजर रहीम। येस सर। आता राहिल्यापैकी टायगर हिलचा विजय मिळवायचा आहे आपल्याला, या करता तुम्ही दोघही 15 दिवस सुट्टीवर जावा आणि ज्यावेळेस युद्ध परत चालू होईल त्यावेळेस तुम्ही दोघही परत या। ओके सर। होशियार है, खबरदार है। मिलिटरी मध्ये भरती झाल्यापासून आपले मिलिटरीचे शूर सैनिक यांच्या दाड्या खरत राहतो आणि केस काढत राहतो। हा पण इथं बॉर्डरवर कामाला लागल्यापासून पाकिस्तानी सैनिक मुन्ना आचारी ह्याजी आणि माझी दोस्ती झाली। हा आम्ही जात पात विसरून आम्ही दोघं एकमेकावर जीव देतो। हा पण त्याच्या हाता मी वाट बघतोय, पण अजून कसा का नाही आला कुणास ठाऊ। जागते रहो, दुश्मन की रात है, जागते रहो। अबे मुन्ने तू पक पक खाना खाता बका बक कुक 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 कुका। जायला तरी म्हणलं तुझी रात्रीची शिट्टी कशी वाजतीया वस्या। हा साले मेरिका तू ठिंगल करताय क्या रे? हा अरे कुकर येणे के मैं खाना पकाने वाला बावरची आचारी हूँ आचारी। मुन्ना भाई है, आज खाने को क्या क्या लाया तेरे को? हाँ खाने को लाया, लेकिन आप भी नहीं, आज रात को सोते समय तेरे को एक लंबी मछली और दो अंडा खिलाऊंगा। अंडा? अरे अंडा बोले तो कुमड़ी का बाइधर है। लेकिन वच्चा है, मेरे को ये बता तुम्हारे हिंदुस्तान में बम है क्या रे? बम? हाँ क्या है? किसी को सांगेगा नहीं ना तू? नहीं सांगेगा। है बम? अरे आमच्या हिंदुस्तानी घराघरातनी बम है। क्या बोलता है? आणि मी बम पेटूनच आंघोळ करतो की। अरे वो नाने का बम नहीं यार। मग अरे वो तुम्हारे मराठी में बूम होता है, बूम। बूम? हाँ। क्या हुआ? किसी को सांगेगा नहीं ना तू? तू आतापर्यंत मेरे को काय सांगा क्या? सांग। आई क्या आमच्या भारतीय सिनेमा क्षेत्रात हाँ एकापेक्षा एक चट बॉम्ब आहे। कहाँ है? उदाहरणार्थ हाँ उसके नाम क्या है? महिमा चौधरी, मै करिश्मा कपूर, अच्छा रवीना टंडन, मांजऱ्याच्या डोळ्याची ममता कुलकर्णी, वश्या हे एकापेक्षा एक सेक्स बॉम्ब आहेत। आणि हे जरी बॉम्ब तुमच्या पाकिस्तानी सैनिकावर टाकले तर तुमचे पाकिस्तानी सैनिक कापड करून ब्रेकडास करतील आणि बोंबलेत नागवेच पळून जातील। वैसे इसको शेलगाने का नहीं करे? नहीं नहीं मुन्ना भाई। फिर क्या करने का? ऐसी गलती नहीं करने का, सिर्फ तुम्हारे सैनिकों के आगे उभा करने का। अच्छा अच्छा, वैसे इस खबर के वास्ते
तेरे को कल बहुत बड़ी बिरयानी खिलाऊंगा। जाओ क्या? अच्छा अच्छा, अरे कुमड़ी की बिरयानी। जा 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 जाओ जा 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 के रहो, होशियार है, दुश्मन की रात है। कौन दुश्मन? अरे तू नहीं और मैं नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अरे अपन दोनों आदमी है कि नहीं? तेरे को काफिया तो रगत निकलेगा, मेरे को काफिया तो खून निकलेगा, दोनों का फर्क है क्या? नहीं नहीं बराबर। जाओ क्या? जा। होशियार है, खबरदार है, जाए ये खरच येडा है। अहो आता महिमाच्या उदरी करिश्मा कपूर हे काय बॉम्ब आहेत का? असल्याच लबाड बातम्या घेऊन जाते चंगेज खान कडे आणि तिथलं मरणाचं मार खाऊन परत माझ्याकडे येते। जाऊ द्या, आपल्याला काय करायचे? आपण ह्या बाउंड्रीवर पारा करावं। होशियार है, खबरदार है। भाज गया साला हमारे हाथों से आम और रहीम, दोनों भी बच्चे गणेश वाड़ी के रहने वाले। ये दोनों भी बच्चे हमारे हाथों से नहीं बचेंगे। क्यों? वहां हमारा जासूस रहता है, काजी खान नाम है तेरा, संदेश ही जरूर भेजना मांगता। हेलो हेलो, ऑपरेशन कारगिल हिया काजी, मैं भरुडर से चंगेज खान बोल रहा हूं, होशियार से रहना। हाँ हाँ काजी, होशियार से रहना, अपना काम शुरू करो। हर जगह हाँ बॉम्ब उठा के खलबल मचा दे। ठीक है, फोर हैंड आउट। सलाम अलैकुम कैप्टन साहब। अलैकुम सलाम। मैं बॉर्डर से आया, बॉर्डर से। क्या मुन्ना? हाँ। क्या बॉर्डर से आया? क्या वो बम के बारे में खबर लाया? क्या लाया? खबर लाया बम के बारे में? बम के बारे में खबर लाया? बहुत खतरनाक बम है। क्या काम करके आया मुन्ना साहब? क्या काम करके आया? वो वश्या है ना, वश्या। हाँ हाँ, लंबा। उसको मैं उल्लू बना के आया, हिंदुस्तानी बच्चा। हाँ सुन लो मुन्ना साहब। क्या? हिंदुस्तानी बच्चा बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। नहीं, नहीं मैं उसको उल्लू बनाया। किसने? मैंने। उसको अंडा देता हूँ बोला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बम के बारे में बता मुन्ना साहब। हाँ बम के बारे में खबर लाया है, बहुत खतरनाक बम है, बहुत तेज है। वो सिलगाने कच नहीं। क्या बातें करते हैं मुन्ना साहब, क्या बातें करते हैं? मैं सही बोलते है। ठीक है ठीक है, वो सिलगाने का नहीं, हिंदुस्तानी सैनिकों के सामने फेंक दिया तो वो कपड़ा काट के नाच के ब्रेक डांस करके मरेगा। मुन्ना साहब खबर लाया। मेरे को इनाम मिलेगा क्या? बहुत इनाम मिलेगा। मुन्ना साहब बम का नाम क्या है? उसने 10-12 नाम बताया। अभी ख्याल है? है, 2-3 याद है मेरे को। है याद? हाँ बताओ बताओ। वो बोला महिमा चौधरी, बोलो करिश्मा कपूर, बताओ बताओ। वो डोले की मांजरे क्या, ऐसा कुछ तो बताया उसने मेरे को। क्या गधे की औलाद, क्या हुआ? ये बम का नाम है और तुम का नाम है? नहीं नहीं मैं उसको उल्लू बनाया। तेने उसको उल्लू बनाया मुन्ना? मैं बनाया। हराम ज्यादा गधे के पिल्ले। मैं बनाया उसको। चुप रहो नादान, चुप रहो। अच्छा दिमाग तो बहुत खराब हो गया। क्या हुआ? क्या पकाया? मैं भेजा पकाया। घोष लाया है? घोष लाया था, अकेला खाया। अकेला खाया? वो वशा को दिया। क्या औलाद? उनके साथ क्या है? उनके साथ मेरा भेजा है। तुम्हारा भेजा? ठीक है चलो चलो मुन्ना साहब, चलो खाना खाने को चलो 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 चलो। जागते रहो। बोला भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। माझ्या भारत भूमीसाठी कारगिल मध्ये लढता लढता हुतात्मा झाले शूर सैनिकांना तानाजी घोरपडे गणेशवाडेकरांचा कोटी कोटी प्रणाम। या गणेशवाडेतील आमदार बुडव्यांचा मी ओलंड वर घनगरी जे सांगल तेच काम ऐकतो आणि फावल्या वेळात मिहिरी बरोबर प्रेम करतो। त्याच्या आईला आता पुढे जाऊन बसले कोणास ठाऊक, तिला लवकरात लवकर बोलवले पाहिजे। हिरे हे हिरे, बोला भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठुमकते ठुमकते
जायला कटरात पवणारी बिडकी आज समुद्रातली मासोळी कशी काय झाली, बंगल्यातील मोल करेल आज एकदम राणी कशी काय झाली, काय गे रे कुणाचं शालू निसरीच म्हणायची, वळत बघू कुणी निशिवलं असेल ते। जायला मला वाटतंय तू सूर्य घर सुटताना गल्लीत न बोंबलत फिरत असशील, ते दान सुट गिरान तांबी दान वस्त्र दान तवा एखाद्या शेटण्याने तुला दान केला असला शालू। ए मैदान पांडू पर जर तसा बोलला चेडीत आटोंबॉम लावून चिंदा करीन तुझ्या। तुझ्याकडे बी आटोंबॉम आहे तू तान्या, मी भांडी घासून खाईन पण भीक मागून खाणार नाही। अरे माझ्या आजीनं मारता योसे शालू नेसवलाय मला, तर आता ओळख बघू हा मी का नेसला असेल। का तुझ्या बापाचं लग्न ठरलंय का, तुझी म्हातारी बाळातीन झाली? नाही नाही तुझी भन शेजार संग पळून गेले म्हणून। हिरे नीट बोलू बर का तुला सांगून ठेवतोय बघ। अरे मग तुला एवढं कळत नाही वे, अरे सणाशिवाय कोण नेसल का? सण आईला कोणचा सण आहे म्हणायचा आज, काय शिमगाय म्हणतीस तू तसा समज। आईला गल्लीत कोण बोंबराला बी झाले, थांब मीच बोंबलतो। आले पाक आले पाक गोळ्या घालतो खाली वाट। ताने तुला बोंबलेला काय झाले तान्या? शिमगा नाही? अरे बाबा शिमगा नाही, मग काय दिवाळी म्हणतीस? मग तू तसं समज। आईला गल्लीत कोण फटाकडे बी लावाना, मीच फटाकडे लावतो। तान्या एवढं तुला कळत नव्हे, अरे गावात सारी लोक स्टिरू लावून आनंदाने नाचायला लागल्यात। का आपले रामरेम नाही का, त्यांनी पाकिस्तानी घुसखोरांना ठिसून मारलं म्हणून। हिरे काय ते राम रहीमचं नशीब आहे ग, अगं एक एक काळी हेच गाव त्या दोघांनी हिडीस पिडीस करत होत, आता हेच गाव दोघांची पूजा करायला लागले। अरे त्यांची पूजाच नव्हं तर त्यांची बातमी पण छापून आल्या, तुला बघायचं आहे का कुठं गेला त्यो? कोण आणलाय ग संगट? ए कोण आणला नाही थांब, गावना झालाय कुठं गेला त्यो? कोण आणलाय ग? अरे बाबा पेपर। पेपर होय, मला वाटलं मी हिता असताना संगट कोण आणलाय? कोण नाही, पेपर एवढा कोपऱ्यात कशाला ठेवला होता? अरे बाबा मी गपचीप आणलाय। अगो बाबू काय झालं? अगो बाबू अरे काय झालंय? हिरे काय पेपर गरम झालाय ग? गरम झालाय जायला, मला वाटलं अक्षर आहेत का नाही खुडली कोण असतो। ए बातमी वाच। बातमी असतोय बरं, बातमी असतो येऊ का घरात? कुणाच्या? नाही ह्यातला आहे ग, तुला नाही म्हणत, मुका घ्या मुका। कुणाचा? अरे ह्यातला आहे, तुला कोण म्हणते तवा, तुला वाटते की मला बघून म्हणतोय? आता वाजवू का? काय आपलं वाचू का? वाच। होते होते प्यार हो गया, ये प्यार होना ही था, प्यार में कभी कभी कचकुच होता है। ए तान्या काय अरे बाबा कुछ कुछ होता है तरी मन। हाँ कुछ 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 मला वाटलं कचकुच ग, परत परत परत। होते होते प्यार हो गया, ये प्यार होना ही था, प्यार में कभी कभी कुछ कुछ होता है, ये दिल तो पागल है, हम तुम पे मरते है, हम आपके दिल में रहते है, जन्म समझा करो। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार कोई खेल नहीं, बीबी नंबर वन मेरी बीबी नंबर वन सिर्फ तुम। ए ताने इकडे 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 का मारलं ग मला? तेलाच्या घाण्याभोवती फिरणाऱ्या बैला गत फिरून फिरून काय प्रेमावर चेतोयस वे, आणि माझ्यावर काय लाईन मारतोयस वे? लाईन नाही, हिंदी सिनेमाचे नाव वाचत तुम्ही? बातमी वाच बातमी खालच्या कोपऱ्यातली। खालचा कोपराच गावा ना ग? आता गावला खालचा कोपरा। आता काय झालं? सकाळ सकाळ पारी तुझं थोबाडा बघितलं आणि ताण्याचा महिन्याचा पगार बोंबलत गेला। आणि तो कसा काय? अगं मुंबई कल्याण मटक्यामध्ये दोन्ही बाजून मी चारही मुंडे चित झालो, मी लावला होता मिंडी मागा यक्का पण आकडाला आणगे मागे छक्का, गेले का नाही गरीबाचे फुकट पैसे सांग बरं। ताण्या ताण्या या आकड्याने एक दिवस तू गावात तुझ्या अंगावरची कापड फाडून फिरणार आहेस बघ। हिरे मग मी टेलर होणार म्हण की ग? टेलर होऊन काय करणार? मी लेडीज टेलर। काय करणार? मी तुझेच कपडे शिवणार। मी नाही देणार तुझ्यापाशी। बरं आता वाचतो। वाच। ऐक, कारगिल मध्ये गणेशवाडीतल्या जवानांनी घुसखोरांचा नांगा ठेचला, मिलिटरी मध्ये भरती झालेले राम भोसले व रहीम भगवान ह्या दोन भारत पुत्रांनी महापराक्रम करून पाकिस्तानच्या घशात गेलेले भारतीय ठाणे काबीज केले आणि आता काश्मीर मध्ये अत्याचार करणारे आयएसआय या अतिरेक्यांना ठार मारण्यासाठी जाणार आहेत। अग बाबू काय पराक्रम केलाय ग? बघ तान्या याला म्हणतात मर्द, नाहीतर तू बी आहेस एखादा उंदीर बिळात लपून बसल्यावर बसतोयस। काय करणार बाई, अगं इलेक्शनच्या काळामध्ये कोण माझा कधी काटा काढल काय सांगता येणार नाही, कारण मी आमदार बुडव्यांचं घरकडे का नाही आणि आमच्या मालकांना गावात कोणाचं चांगलं केलंय ग? हा तान्या म्हणून तर त्या दोघांनी राम रेमचा सत्कार चावडी करण्याचं ठरलंय आणि तान्या मी आता तिकडच चाललंय चावडीवर। हिरे काय मी सांगत तशी करशील का? करते की। पदर घे पदर, तुला सांग पदर कशाला? पदर घे तर। बर घेते बाबा। हा घेतला का? आणि मी बी पांढरे टोपे घालतो आणि आपण असं जोडीने जायचं, जरा चिटक की थोड नको नको मी चिटकायचं असतं हे चिटक
आपण दोघं जोडीने जायचं आणि राम रहीमच्या जाऊन पाया पडायचं. पाया का बरं? राम रहीमला काय वाटलं माहितीये का? ही दोघं जण नवरा बायको जायचं तिकडं. काय गं? लगेच मना लागला नवरा बायको आहेत. तू काय मला तुझी बायको बनवाय लागलेस वे? होशील की आज नव त्या फाकड्याची बायको? ए तान्या, लय फाजीलपणाचं बोलू नकोस. मी आता चावड चालले बघ चावडीवर. ठुमकतय ठुमकतय झुरतय 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 जायला हिरे. अगं मला बी तानाजी घोरपणे म्हणत्यात ना. या घोरपडीच्या कमराला प्रेमाचा दोर बांधून लग्नाच्या गडाव चढवली तर नावचा तानाजीच नाही. हा पण आधी लगीन कारगिलच मगच लगीन तानाजीच. आयला मी बोलता बोलता फसलो. अरे राम रहीम आमच्या गावात येणार आहे म्हणलो मी बी तिथं पाहिजेच. कारण का त्या दोघांबद्दल सांगायला मला बी चार शब्द मजा येईल. लवकरात लवकर गेलं पाहिजे नाहीतर माझ्या अगोदर कोणतर टपलेलं असायचं. लगेच गेलं पाहिजे. माझ्या गणेशवाडीच्या नागरिकांनो तुम्ही मला ओळखलंच असल. मी आमदार सूर्याजी देशपूर्व यांचा बोडीगर्ड उर्पया गावातला गुंडा पैलवान म्हणत्यात मला. तवा आजच्या सभेत साहेबाविरुद्ध जर कोण काही बोललं